चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। संजय लीला की भंसाली फिल्म पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत करने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, पद्मावती की के नाम को लेकर पहले विवाद था, जिसे नाम बदलकर पद्मावत कर दिया गया है। इसके बावजूद भी चित्तौड़ की महिलाएं ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए सरकार पे दबाव डालती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ शाहिद कपूर और रणवीर सिंह फिल्म में जोरदार अभिनय करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं, लेकिन अभी भी फिल्म के रिलीज पर शंका बनी हुई है। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को क्लीन चीट देकर रिलीज कर दिया करने की अनाउंसमेंट कर दिया है। आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली ने 25 जनवरी को पूरे भारत में रिलीज करने का प्लान बनाया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने राज्य में अभी रिलीज करने नहीं देने का फरमान सुनाया है। अगर हम इस फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो इसके फर्स्ट डे कलेक्शन पे भी असर पड़ सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म का पहला दिन कलेक्शन करीब 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में होने वाला है, जो कि बहुत कम कलेक्शन आका गया है, क्योंकि जिस तरीके से पद्मावत का विरोध किया गया है उस हिसाब से ये कलेक्शन लगाया गया है। शिवराज सरकार ने भी मध्य प्रदेश में पद्मावत को रिलीज करने पर रोक लगा दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या पद्मावत पूरे देश के साथ साथ पूरे मल्टीप्लेक्स में लग पाती है या नहीं, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगी, और कलेक्शन का कारोबार तो बॉक्स ऑफिस पर ही पता चल पाएगी।